वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है साउथ फिल्में टीवी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आज रिलीज होने वाली साउथ की दो हिंदी डब मूवीज के बारे में और तीन नई मूवी से जुड़ी अपडेट भी देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, साथ ही चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी अपडेट हम आप तक लाते रहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पहली मूवी है 2023 में आई तमिल साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर मूवी इरेवन, जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं जेम रवि, नयनतारा और राहुल बोस। आईएमडीबी पर इस मूवी को 10 में से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी का ओटीटी प्रीमियर होने वाला है 26 अक्टूबर को हिंदी के साथ साथ बाकी अन्य भाषाओं में नेटफ्लिक्स पर। और दोस्तों, इस मूवी का हिंदी बैनर है गोल्ड माइंस। इस लिस्ट में अगली मूवी 2023 में आई तमिल हॉरर कॉमेडी मूवी चंद्रमुखी 2, जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं राघवा लवारेंस, कंगना रनावत और लक्ष्मी मेनन। इस मूवी का ओटीटी प्रीमियर होने वाला है 26 अक्टूबर को हिंदी के साथ साथ बाकी अन्य भाषाओं में नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी का भी हिंदी बैनर है गोल्ड माइंस। इस लिस्ट में अगली मूवी है 2019 में आई तमिल एक्शन क्राइम मूवी गैंग्स ऑफ मद्रास। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन का यूट्यूब प्रीमियर होने वाला है 27 अक्टूबर को सेनिकोन मूवीज के यूट्यूब चैनल पर। इस लिस्ट में अगली मूवी 2023 में आई तमिल सुपर हिट साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी मूवी मार्क एंटनी, जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं विशाल और एस जे सूर्या। आईएमडीबी पर इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग मिली हुई है। कुछ न्यूज है कि इस मूवी के हिंदी डब वर्जन का ओटीटी प्रीमियर 27 अक्टूबर को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी प्राइम वीडियो की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे अनाउंस होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। इस लिस्ट में अगली मूवी 2023 में आई तेलुगु एक्शन ड्रामा मूवी स्कंदा, जिसके लीड रोल में नजर आने वाले हैं राम पोथिनेनी, श्रीलीला, साई मंजेकर और श्रीकांत। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस मूवी का ओटीटी प्रीमियर 27 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल सकता है। एक केवल अभी उम्र ही है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे अनाउंस होगा हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, इन पांच मूवीज में से आप किस मूवी को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं तक था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।